गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग की बात की थी और सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग में मैंने आपको बताया था ये मैनुअल मेथड है और इसके बाद हमने बताया इसमें हम लोगों ने क्या क्या रिक्वायरमेंट लेना है इस सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। तो हमने बताया आपको कि इसके लिए हमें सबसे पहले वो टेम्पलेट डीएनए चाहिए होगा जिस डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी होगी और वो टेम्पलेट डीएनए कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेट। उसके बाद हमें चेन इलांगेटर के रूप में डीएनटीपी चाहिए होगा। वो डीएनटीपी फोर काइंड्स के होते हैं, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आपका चेन टर्मिनेटर होगा जिसके बेसिस पर टर्मिनेशन होता है और पूरा का पूरा होल सैंगर मेथड बेस्ड है और वो होगा डीडीएनटीपी। और ऑन द बेसिस ऑफ द फोर काइंड्स ऑफ बेसिस चार तरह के डीडीएनटीपी होंगे जिसमें आपको डीडीएटीपी, डीडीजीटीपी, डीडीसीटीपी और डीडीटीटीपी होंगे। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये स्टेप वाइज स्टेप सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी बता दूं कि अभी मैं आपको जो वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वीडियो आपको स्टेप्स बताएगा और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको सीक्वेंसिंग करने का ऑटो रेडियोग्राम मेथड्स को एक्सप्लेन करेगा। तो ये केवल स्टेप्स हैं, इसके बाद जो जेल पे सीक्वेंस को कैसे रीड करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राम एंड ऑटो रेडियोग्राफी और उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रीड करके सीक्वेंस को बताऊंगा। तो बहरहाल हम लोग जो भी स्टेप्स देखते हैं तो सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग में जो पहला स्टेप होता है कि हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सर क्या है, जैसा कि आपने पीसीआर में भी दिया था कि पीसीआर में भी हम लोग मशीन मेथड था, जबकि फिर भी हम लोग क्या करते थे कि सारे जो भी कंपोनेंट थे, जो भी उसका रिक्वायरमेंट था, उनको सबको मिक्स करके एक रिएक्शन मिक्सचर, एक मास्टर मिक्सचर बनाते थे। ठीक उसी तरीके से सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग में भी एक मास्टर मिक्सचर का प्रिपरेशन करेंगे और ये जो मास्टर मिक्सचर होगा इसमें वो सारे रिक्वायरमेंट होंगे जो रिक्वायरमेंट सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए चाहिए। तो सबसे पहले तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए, वो डीएनए दैट हैव टू बी सीक्वेंस और वो कैसा होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, डिनेचुरेशन कर लेंगे और उस डीएनए को हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद 5 प्राइम एंड ऑफ प्राइमर, प्राइमर मैंने बताया था आपको 15 बेस पेयर का लॉन्ग प्राइमर हम सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज करते हैं और ये जो प्राइमर होगा वो रेडियो लेवल प्राइमर होगा और चूंकि ये 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए पे जाकर के बाइंड करता है इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंड क्या होना चाहिए, 5 प्राइम एंड होना चाहिए। तो जो प्राइमर होगा वो 3 प्राइम एंड होगा। आप यहां से समझिए, सपोज कीजिए कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है जिसकी भी सीक्वेंसिंग हमको करनी है, तो यहाँ पे प्राइमर हम जोड़ेंगे तो ये जो प्राइमर का ये सीक्वेंस होगा, अगर ये टेम्पलेट डीएनए 3 प्राइम एंड तो ये क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा, क्योंकि प्राइमर क्या होता है, हमेशा टेम्पलेट डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसलिए हमें जो यहाँ प्राइमर चाहिए होगा वो 5 प्राइम एंड डीएनए होगा और वो ऑर्गोनिक्लोटाइड का सीक्वेंस होगा, 15 बेस पेयर लॉन्ग होगा और कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए होगा। फिर इस प्राइमर को एक्सटेंड करने वाला कौन, डीएनटीपी हमको चाहिए होगा क्योंकि डी ऑक्सीनिक्लोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये डीएनटीपी चेन इलांगेटर है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि डीएनटीपी क्यों चेन इलांगेटर है और डीडीएनटीपी क्यों चेन टर्मिनेटर है। आपको याद होगा कि डीएनटीपी में क्या होता है कि जो डी ऑक्सीराइबोज के 3 प्राइम एंड पर फ्री हाइड्रोक्सिल एंड होता है जिससे कि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ती है, इसलिए ये चेन इनिशिएटर का काम करता है, चेन इलांगेटर का काम करता है। जबकि डीडीएनटीपी में क्या होता है कि वो चेन टर्मिनेटर का काम करता है क्योंकि उसके डी ऑक्सीराइबोज के 3 प्राइम एंड पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है इसलिए नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आकर के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाता, तो इसलिए वो चेन टर्मिनेटर हो गया। इसके अलावा हमें इस प्राइमर को एक्सटेंड कराने के लिए और डीएनटीपी को प्राइमर पे जोड़ने के लिए वन बाय वन एक एंजाइम चाहिए होगा, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, ये तो पीसीआर में भी था। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा सारा कंपोनेंट है इसका मास्टर मिक्सचर बना करके इसको हम 4 ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जैसे ये हो गया 1, 2, 3 और 4, 4 ट्यूब में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और ये जो चार ट्यूब होंगे इनको हम लैबनिंग करेंगे। इनकी लैबनिंग कैसे करेंगे, ATGC, ATGC हमको किस बेसिस पर लैबनिंग करना है,
ये उस बेसिस पे लर्निंग करना है कि किस ट्यूब में आप कौन सा डीडी एनटीपी डालने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो मास्टर मिक्सचर देखा है उसमें डीडी एनटीपी नहीं है, और हमने पहले भी आपको बताया कि डीडी एनटीपी का जो कंसंट्रेशन होता है वो डीएनटीपी के 1% होता है। तो अब बात यह है कि अब आपको डीडी एनटीपी इनकॉर्पोरेट अलग से करना है मास्टर मिक्सचर में। तो जब हम डीडी एनटीपी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द 4 काइंड्स ऑफ द डीडी एनटीपी देयर विल बी अ 4 ट्यूब्स, 4 ट्यूब होंगे और एक पर्टिकुलर ट्यूब विल बी स्पेसिफाइड फॉर, विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए सिंगल टाइप ऑफ द डीडी एनटीपी। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप 4 ट्यूब आपने बनाया है एटीजीसी करके है, तो अगर यहाँ पर आपने ए ट्यूब लेवल किया है इसका मतलब कि वहाँ पे डीडी एटीपी को इनकॉर्पोरेट करना है आपको। अगर आपने जी ट्यूब लेवल किया है इसका मतलब वहाँ पे डीडी जीटीपी को लेवल करना है। अगर आपने वहाँ पे सी ट्यूब लेवल किया है इसका मतलब वहाँ पे डीडी सीटीपी को लेवल करना है, और अगर आपने वहाँ टी लेवल किया है तो इसका मतलब वहाँ पे डीडी टीटीपी को इनकॉर्पोरेट करना है। तो इस बेसिस पर हम एटीजीसी कर लेंगे और तब उसमें डीडी एनटीपी ऐड करेंगे चारों ट्यूब में। और हमने आपको पहले बताया कि डीडी एनटीपी का जो कंसंट्रेशन होता है वो डीएनटीपी का 1% होता है। तो 1% डीडी एनटीपी हमने डाला ऐसा इसलिए क्योंकि अगर डीडी एनटीपी ज्यादा होगा तो क्या होगा, डीएनटीपी कम होगा तो चेन इलोंगेट कम करेगी और टर्मिनेट ज्यादा करेगी, तो हमें सिक्वेंस बहुत छोटे छोटे मिलेंगे, तो हमें उतना ज्यादा परेशानी होगी सिक्वेंसिंग करने में। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो भी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है वो हमें बड़े बड़े सीक्वेंस के फॉर्म में मिले, ताकि हम उसकी कम से कम क्यूमुलेटिव सीक्वेंसिंग में, क्यूमुलेटिव सीक्वेंसिंग में हम उसकी ओवरऑल सीक्वेंसिंग कर पाए। तो हम यहाँ पे 1% ऑफ डीडीएनटीपी यूज करेंगे, और वो डीडीएनटीपी 4 तरह का, डीडीएटीपी, डीजीटीपी, डीडीसीटीपी और डीडीटीपी। तो डीडीएटीपी वाला किस में जाएगा, किस ट्यूब में जाएगा, वो जिसको हमने ए ट्यूब लेवल किया उसमें जाएगा। डीडी जीटीपी वाला किसमें जाएगा, जिसको हमने जी से लेवल किया हुआ है। डीडी सीटीपी वाला किसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, जहां पे ट्यूब सी से लेवल है। और डीडी टीटीपी वाला कहां इनकॉर्पोरेट करेंगे, जहां पे कि ट्यूब टी से लेवल है। अभी जब नेक्स्ट वीडियो में हम पिक्चर दिखाएंगे, डायग्रामेटिकली आपको समझाएंगे, तो आपको अच्छे से और समझ जाएगा। वैसे भी आप एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए या पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है वो खोल देख लीजिए, सीबीएसई टेक्स्ट बुक बायोटेक्नोलॉजी की, तो आपको ऑटो रेडियोग्राम और ये सैंगर मेथड का पिक्चर दिखाई देगा। तो उसमें जो मैं ये बता रहा हूँ हूबहू सेम आपको वहाँ वो पिक्चर रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा कि जब ये 4 चीजें हो गई, रिएक्शन मिक्सचर हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, डीडी एनटीपी डाल दिया, तो आप ईच एंड एवरी ट्यूब में क्या देखेंगे कि ईच एंड एवरी ट्यूब में प्राइमर हमारा एक्सटेंड करेगा, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, ये जैसे अगर आपके पास डीएनए टारगेट डीएनए है 5' to 3', आपने यहाँ प्राइमर जोड़ा है, ये 5' to 3' है, तो अब ये डीएनए का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा 5' to 3' होता है। तो ये जो हमारा डीएनए है ये भी 5' to 3' हमारा एक्सटेंड करेगा, और यहाँ पे जुड़ने वाला जो होगा वो उसको जो एक्सटेंड कराने वाला रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा, डीएनटीपी। There are 4 kinds of DNTP, depending upon कौन सा DNTP incorporate होगा, ये depend करेगा कि ऊपर का कौन सा बेस पेयर आएगा, यहाँ A है तो यहाँ T आएगा, यहाँ G है तो यहाँ C आएगा, यहाँ C है तो यहाँ G आएगा, इस तरीके से ये extend करता जाएगा, ठीक। लेकिन अब ये इसका जो extension होगा कहीं ना कहीं इसको terminate होना है, और वो terminate कौन करेगा, chain terminator, that is DDNTP। और वहाँ पे जहाँ पर भी आपका ये DDNTP incorporate हो जाएगा, सपोज करिए कि ये आपका था, ये sequence आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अगर यहाँ जी है तो सपोज करिए कि अगर यहाँ पर जी की कॉम्प्लीमेंट्री सी आना चाहिए था, ठीक। अगर यहाँ पे डी सी टी पी आता तो चेन इलॉन्गेट करती, लेकिन अगर डी सी टी पी की जगह डी डी सी टी पी आ गया, यानी डी एन टी पी की जगह डी डी एन टी पी आ गया, तो यहीं पर चेन ब्लॉक कर जाएगा, यहीं पर चेन टर्मिनेट कर जाएगा, और यहां से यहां तक का सिक्वेंस हमको मिल जाएगा, ठीक। उसी तरीके से जितने भी आपने 4 ट्यूब बनाए हैं उन 4 ट्यूब्स में यही प्रोसेस होगा कि जैसे जैसे टेम्पलेट डीएनए के अकॉर्डिंग जैसे जैसे डीएनटीपी जुड़ता जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, वैसे वैसे आपका प्राइमर एक्सटेंड करता जाएगा और डायरेक्शन होगा 5' to 3'। लेकिन जिस पोजिशन में डीएनटीपी की जगह डीडीएनटीपी इनकॉर्पोरेट हो गया, और होना ही होना है, तो डीएनटीपी की जगह डीडीएनटीपी इनकॉर्पोरेट हो गया, तो वहीं पर चेन टर्मिनेट हो जाएगी, और जहां टर्मिनेट हो जाएगी उसके बाद कोई भी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आकर के उस प्राइमर पे नहीं जुटेगा। तो हमें क्या होगा कि उस प्राइमर का वहां से वहां तक का सीक्वेंस ऑब्टेंड हो गया,
आप क्या करेंगे? लेकिन ये सब तो सोल्यूशन के फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो अब हमें इसको देखना है, तो आफ्टर टर्मिनेशन हम क्या करते हैं कि डीएनए को यूटिलाइज करने के लिए जो हमारे पास तरीका है, जो मेथड है, वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो फिर हम एक्सरे लाइट गिराएंगे। एक्सरे लाइट इसलिए गिराएंगे क्योंकि हमारे पास जो प्राइमर था वो क्या था, रेडियो लेवल था, रेडियो आइसोटॉप से लेवल था। तो उसको विजुलाइज करने का तरीका यही है कि उस पर एक्सरे लाइट गिराया जाए, और इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। ये चीज आपने सदर्न ब्लॉटिंग में भी देखा था, सदर्न ब्लॉटिंग में भी यही चीज हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी एक्सरे लाइट गिरा दिए उसमें हम पिक्चर ऑब्टेन करेंगे, जो उस पिक्चर को हम कहेंगे जेल के ऊपर ऑटो रेडियोग्राफी। यानी वो जो जेल की पिक्चर आएगी अलॉन्ग विद द बैंक्स ऑफ द डीएनए, इट्स कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राम, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी। नाउ अब हमको रीड करना है, उन डीएनए बैंक्स को रीड करना है। तो जब भी हम रीड करेंगे, अभी आपको अगला जो पिक्चर दिखाएंगे, अगला जो वीडियो दिखाएंगे, उसमें रीडिंग दिखाएंगे आपको कैसे रीडिंग की जाती है। तो जब भी रीडिंग करते हैं हम, तो बॉटम से टॉप में करते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा बैंड है, तो ये हमारा जो ऑटो रेडियोग्राम है, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, बॉटम टू टॉप स्टार्ट करेंगे। और नीचे जो पहला बेस होगा वो 5 प्राइम इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा, और टॉप पे जो होगा वो 3 प्राइम इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो हमेशा हम लोग जो सिक्वेंसिंग करते हैं वो बॉटम टू टॉप करते हैं, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करते हैं। तो ये जो हमें सिक्वेंस मिलेगा, ये सिक्वेंस मिलेगा हमको प्राइमर का, जो हमने पहला ऑटो रेडियोग्राम की सिक्वेंसिंग किया है फ्रॉम बॉटम टू टॉप 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दैट सिक्वेंस रिप्रेजेंट द सिक्वेंस ऑफ द प्राइमर। क्यों? क्योंकि ये तो प्राइमर का ही तो एक्सटेंशन हो रहा था, और प्राइमर ही टर्मिनेट हुआ है। तो आप इसकी जो सिक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो प्राइमर की ही तो सिक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमको जो पिक्चर ऑब्टेंड हो रहा है, ओवरऑल जो हमें सिक्वेंस ऑब्टेंड हो रहा है बाय द फर्स्ट एटम ऑफ द ऑटो रेडियोग्राम इज द सिक्वेंस ऑफ प्राइमर। अब अगर आपको प्राइमर का सिक्वेंस पता चल गया, तो आप टेम्पलेट डीएनए का सिक्वेंस क्यों नहीं बता सकते? तुरंत जो है आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस लिखेंगे, और वो कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस क्या होगा, टारगेट डीएनए का सीक्वेंस होगा। ठीक, सपोज कीजिए कि अगर आपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम का सीक्वेंस लिखा है, तो ये सीक्वेंस प्राइमर का सीक्वेंस हो गया, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वो हमारा टारगेट डीएनए का सीक्वेंस होगा। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि हमारा डीएनए का सीक्वेंस जो है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऑटो रेडियोग्राम दिखाऊंगा, और फिर उसकी सीक्वेंसिंग करने का तरीका बताऊंगा। तो इससे आपको एक आइडिया इस वीडियो से क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम लोग स्टेप बाई स्टेप सैंगर मेथड के डीएनए सीक्वेंसिंग को कर सकते हैं। थैंक यू।